जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक लैपटॉप परचेज किया था 28,000 रुपये का समथिंग कुछ। तो गाइस अभी क्या है कि उस लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाला है। गाइस क्या होता है, कई बार आप लैपटॉप लेते हैं तो कंट्रोल और F5 से रिफ्रेश होता है, लेकिन अभी नए वाले लैपटॉप में क्या हो रहा है कि वो नहीं हो रहा है और वहाँ पे कुछ अलग ही फंक्शन की दी गई है जिससे आप उसको रिफ्रेश कर सकते हो। तो चलिए गाइस लैपटॉप की और मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी की है और आपको क्या करना होगा। मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि यूट्यूब पर इसके बारे में कोई भी वीडियो नहीं था। मैंने चेक किया था, फिर मैंने ही इसका कुछ सोल्यूशन निकाला और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए लैपटॉप की और यहाँ चलते हैं कैसे क्या करना होगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं लैपटॉप को यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ और ये हमारी यहाँ पे फंक्शन की है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मेरे पास लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये लैपटॉप की फंक्शन की है यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे क्या है कि आप कंट्रोल और साथ में जो ऐप यहाँ पे 5 दबाते हैं तो इससे क्या है कि रिफ्रेश होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कंट्रोल दबाया और साथ में F5 और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कौन सी की काम करती है, तो यहाँ पे देखिए जो आपके आपको यहाँ पे दिख रही है F1, ये वाला F1 की है, इसको और आप यहाँ पे कंट्रोल F5 को दबाते हो तो इससे रिप्रेस हो गया। आप देखिए यहाँ पे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। तो गाइस अगर आपने अभी तक गाइड हिंदी में को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और मेरा जो अपलोडिंग का टाइम वो मैंने अभी चेंज कर दिया है, मैं अभी आपको सुबह 6 बजे और रात को 7 या 8 बजे समथिंग वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। आपको अभी दिक्कत नहीं आ रही है, फिर से आ रही है, तो मैं इसका सोल्यूशन अगले वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।